स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्वमोहन और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। ईटी नाउ स्वदेश लेकर आ रहा है देश का सबसे बड़ा शो म्यूचुअल फंड महाकुंभ। इस शो में देश के दिग्गज एक्सपर्ट नामचीन फंड के प्रमुख हिस्सा लेने वाले हैं और म्यूचुअल फंड SIP से जुड़ी तमाम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। शनिवार 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार शाम 4 बजे तक चलने वाले इस महाकुंभ में निवेश के बारे में विस्तार से बातचीत होगी। छोटे छोटे शहरों के लोगों के हर सवालों का जवाब आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि ये है देश का सबसे बड़ा शो, जहां होंगे सबसे बड़े चेहरे, जहां होगी सबसे विशाल कवरेज और जहां दी जाएगी सबसे भरोसेमंद जानकारी। तो याद रखिएगा, तारीख है 28 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर। चलिए तो म्यूचुअल फंड के ज्ञान का मेला सुबह 10 बजे से शनिवार 28 अक्टूबर को जरूर देखिएगा, जहां पर दिग्गज फंड मैनेजर अपनी राय रखेंगे, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट की तैयारी करनी है, पूरी डिटेल्स आपको वहां पर मिलने वाली है। चलिए बाजार का रुख कर लेते हैं, देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट से आज इंडियन मार्केट के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 50 अंकों की तेजी वहां पर दिख रही है। ज्यादातर बड़े एशियाई बाजार अगर कॉस्पी को छोड़ दे, कोरिया के बाजार को छोड़ दे, तो ज्यादातर एशियाई बाजारों में अच्छी तेजी दिख रही है। निक्केई में 1% से ज्यादा की तेजी है, हांगकांग के बाजार में तो 2% से ज्यादा का उछाल है, चीन में भी 1% की तेजी दिख रही है। टेक्नोलॉजी शेयरों में वहां पर एशियाई बाजारों में आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है, तो सपोर्ट टेक्नोलॉजी शेयरों से आ रहा है। ग्लोबल और बाकी संकेत कैसे थे, कल की अगर बात करें तो भारतीय बाजार तो बंद थे, लेकिन अमेरिकी बाजारों में 4 दिनों की गिरावट के बाद कल अच्छी तेजी दिखी। डाउ जोन्स में 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली। नैसडेक टेक्नोलॉजी कंपनियों के कुछ अच्छे नतीजों के दम पर नैसडेक में अच्छी तेजी दिखी, 1% के आसपास नैसडेक इंडेक्स चढ़कर बंद हुआ। S&P 500 में भी करीब करीब 0.5% की तेजी दिखी। अब कुछ अहम डेटा जिन पर बाजार की नजर रहेगी, पहले तो 3 बड़ी कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं, जिसमें मेटा है, बोइंग है, इन कंपनियों के नतीजे पर बाजार की नजर रहने वाली है। IBM के नतीजों पर आज नजर रहेगी, साथ ही हाउसिंग परमिट्स के नंबर है और नए घरों की बिक्री के नंबर्स भी आने वाले हैं, वहां पर भी बाजार नजर रखेगा। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, अब तक यही एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे हैं कि जो नवंबर की बैठक होगी, जो 1 नवंबर को जो फैसला आएगा US Fed का, वहां पर ब्याज दरें स्थिर रखी जा सकती है। दिसंबर को लेकर इस बात की आशंका लग रही है कि 4.5% या तो ब्याज दरें बढ़ाई जाए या वहां पर भी पॉज हो। यानी आगे चलकर एक्सपर्ट्स ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हो सकता है कि फेड का रुख एकोमोडेटिव हो, बहुत ज्यादा सख्त नहीं हो। हालांकि जो पिछले हफ्ते का न्यूयॉर्क में जो भाषण था उससे काफी सख्ती दिखी थी, उससे बाजार पर दबाव दिखा, साथ ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उससे तो दबाव बना ही था। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल 3 सत्रों में 5% से ज्यादा टूट चुका है और अब $88 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। US 10-year बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.81% के आसपास, अगर 5% के ऊपर चला गया था वहां से देखें तो ठीक ठाक नरमी आ चुकी है यहां पर, तो यहां पर भी नरमी का रुख है। डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है। सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की जो खरीदारी हो रही थी वो भी थोड़ी अब कम हुई है, $2,000 के ऊपर जाने के बाद अब कॉमेक्स पर सोना $1,985 के आसपास आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर संकेत अगर कहें तो आज घरेलू बाजार के लिए अच्छे हैं। लेकिन FIIs और DIIs के आंकड़े की अगर बात करें सोमवार के सत्र में, तो वो कैसे रहते, तो कैश मार्केट में FIIs ने 252 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी, वहीं DIIs ने कैश मार्केट में 1,111 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। FIIs की फ्यूचर्स की बात करें तो 327 करोड़ की यहां पर बिकवाली हुई थी और इंडेक्स ऑप्शंस में FIIs ने 14,610 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में 6,372 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी और स्टॉक्स ऑप्शंस में 340 करोड़ रुपए की यहां पर खरीदारी की थी। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मौजूद है। डिम्पी, तमाम तरह के डेटा जो ग्लोबल डेटा है वो तो आज अच्छे दिख रहे हैं, क्या लग रहा है घरेलू बाजार के लिए संकेत क्या है, आप डेटा को कैसे पढ़ रहे हैं आज? देखिए, मार्केट ने जो लॉस किया है मंडे का वो सपोर्ट्स का लॉस किया है। इससे पहले क्या था कि मार्केट एक रेंज में था जिसको हम मेगा रेंज कहते थे, 19,500 से 19,800 के बीच में काफी समय निकाला,
लेकिन फाइनली कल मार्केट ने 500 के नीचे क्लोज किया, तो डैमेज तो काफी सीवियर था। इसके अलावा आप बता रहे हैं कि मैक्रो इंडिकेटर्स थोड़े थोड़े आके सुधर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि थोड़ा इस मामले में हम लेट हुए हैं। अगर मैक्रो इंडिकेटर्स दो दिन पहले सुधर जाते तो शायद बाजार उस पर तेज रिएक्ट करता। लेकिन एक अच्छा पॉइंट हमको दशहरे की छुट्टी का मिल गया, क्योंकि उस दिन रिएक्शन हमने दिया नहीं, यानी कि कल, और आज हम दो दिन का कंबाइंड रिएक्शन देंगे, तो इसलिए हो सकता है कि बाजार थोड़ा सुधरने की या बेहतर होने की कोशिश करे। मार्केट के पास एक और मेजर सपोर्ट है, वो 19,000 का है। हालांकि ये डीप स्टॉप है, आधे से ज्यादा लोग इसको रखते ही नहीं थे स्टॉप लॉस, ज्यादातर लोगों ने 19,400-19,500 तक का स्टॉप लॉस रखा हुआ था। लेकिन फिर भी जिनके पास 19,000 का स्टॉप लॉस बचा हुआ है, उनके लिए राहत की बात होगी कि यहाँ से मार्केट हो सकता है स्लाइटली बेटर होता हुआ दिखे, और या फिर थोड़ा सा रुकना अपना कम करें। और जिन्होंने पुराने अपने स्टॉप लॉसेस कटवाए तेजी के, उनको भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मार्केट को थोड़ा और हील होने की जरूरत है। सपोर्ट है वो अब रेजिस्टेंस बन चुके हैं, यानी 19,400 और 500। जब तक मार्केट अब 400 और 500 को वापिस रीगेन नहीं कर लेगा, तब तक जो तेजी करने वाले वापिस आना चाहते हैं उनको भी आना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी FIIs का नंबर उतना भी ठीक नहीं आ रहा है। FIIs की लॉन्ग होल्डिंग 26% है, और इस पूरी सीरीज के अंदर करीब 30-35% की एवरेज ऊंची रही है। तो नवंबर का सीरीज हमने चेक किया, पिछले 3 साल का डाटा, वहां पर बैक टू बैक काफी वॉलिटिलिटी रहती है। तो अगर इस बार हम नेगेटिव होकर जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले नवंबर सीरीज के अंदर हम शायद थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, बट उसके लिए भी थोड़ा जल्दबाजी है। आज और कल दो दिन डेरिवेटिव्स के रोल ओवर चेक करने होंगे, जो अभी तक थोड़े कम है। अगर ये रोल ओवर बढ़ते हैं तो फिर उम्मीद कर सकते हैं कि नियर बाय सपोर्ट होगा। अगर ये रोल ओवर नहीं बढ़ते तो फिर दिक्कत होगी। वो हमने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये बात क्लियर की थी कि रोल ओवर करना पड़ना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है, सेक्टोरियली बैंकिंग से थोड़ा भी दूर रहना चाहिए, आईटी से दूर रहना चाहिए। थोड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो फार्मास्यूटिकल और ऑटो से मिल सकता है। वहां पर अगर आप कोई पोजिशनली देखना चाहे तो देख सकते हैं। 1 तारीख को ऑटो के नंबर भी आते हैं सेल्स के, तो ये कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर आपको वॉच करना चाहिए। ऑप्शंस वाले कृपा करके मार्केट से भी दूर रहें। ओके डिम्पी, बैंक निफ्टी को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह के संकेत वहां पर दिख रहे हैं आपको, और क्या लेवल आप देख रहे हैं, क्या रेंज रहेगा? बैंक ICICI के कोटक के पास है। कोटक के अंदर रिजल्ट आए, मैनेजमेंट चेंज हुआ, बाजार को समझ में नहीं आया। ICICI नंबर्स ठीक आए हैं लेकिन उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा। HDFC के हाथ में पूरी की है। HDFC अगर नहीं तोड़ता है तो फिर चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, और अगर HDFC अपने आप में कमजोर होगा तो बैंक निफ्टी कमजोर होता जाएगा। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए 43,000 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जैसा हो जाएगा अगर मार्केट ने 43,000 भी ब्रेक कर दिया। पिछली बार भी हम 42,000-43,000 से घूमे हुए थे, अब हम उसके बेहद करीब हैं। तो मार्केट के पास मैं बोलूंगा एक लास्ट लीप रह गई, 43,000 की लास्ट सपोर्ट रह गई है। अगर ये भी गया तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, अगर ये नहीं जाता है तो फिर ठीक होंगी। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर आपका डॉलर इंडेक्स है। आप बैंक निफ्टी को डॉलर इंडेक्स और क्रूड के साथ कनेक्ट कर लीजिए। जितना क्रूड टूटेगा और जितना डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होगा, बैंक के आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, उसके कॉन्ट्रा प्ले करते हैं। शुक्रिया डिम्पी, आपने पूरी डिटेल बता दी कि किस तरह के रेंज का आपको ध्यान रखना है। एक्सपायरी का हफ्ता है, किस तरह के रोल ओवर्स के नंबर साथ आते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, तो उससे आपको संकेत मिल जाएंगे कि नवंबर सीरीज की कैसी शुरुआत होगी, वहां पर किस तरह का एक्शन दिख सकता है। चलिए, हमारे एक और एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद हैं, एंजल वन के देवांग शाह फोनलाइन पर मौजूद है। देवांग, सबसे पहले आप इंडेक्स पर बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लग रहा है आज, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें मार्केट की, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, इसमें हमने देखा है काफी करेक्शन देखने मिला था, पर हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी और भी करेक्शन देखने मिल सकता है, तो सेलन राइज का हमें मार्केट दिख रहा है। जहां तक बात करें लेवल्स की, निफ्टी फ्यूचर्स के जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट 19,150 के जो सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें 19,450 का रेजिस्टेंस है, तो सेलन राइज का हमें मार्केट दिख रहा है इस लेवल से। बैंक निफ्टी में यहाँ तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करेगी। निफ्टी में 19,100 आपने सपोर्ट बता दिया, 19,450 रेजिस्टेंस बता दिया, और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल होंगे?
बैंक निफ्टी की बात करें, जहां तक बैंक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें, 42,800 तक के जोन है, वहां तक हमें आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर को। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 43,500 का ना रेजिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। ओके, यानी 42,800 नीचे सपोर्ट है, डिम्पी भी यही लेवल आपको बता रहे थे, और 43,500 ऊपर रेजिस्टेंस यहां पर दिख सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अब दो टॉपिक बताइए आज दिन के लिए देवांग। स्टॉक स्ट्रक्चर में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस में सेल करना है। जहाँ स्टॉप लॉस की बात करें, 462 का स्टॉप लॉस रखना है, 439 का टारगेट है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा विप्रो। विप्रो में भी सेल की रिकमेंडेशन रहेगा, विप्रो में सेल करने का रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 393 का, टारगेट है 370। तो टॉप ट्रेड आज के लिए सेल कॉल है, विप्रो बेचने की सलाह है 370 के टारगेट के लिए, 393 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस बेचना है 453 से 455 के रेंज में, 439 नीचे का टारगेट है। शुक्रिया देवांग, आपने वक्त निकाला इंडेक्स पर और दो ट्रेड आपने स्टॉक स्पेसिफिक बताए। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है कमोडिटी मार्केट का रुख करने का। हमारे साथ केडिया कमोडिटी के MD अजय केडिया हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है आज किस तरह की चाल आपको दिख रही है? कच्चा तेल 3 दिनों में 5% से ज्यादा टूट चुका है, गोल्ड भी अगर देखे तो 2000 के ऊपर कॉमेक्स पर जाने के बाद अब हल्की नरमी भी दिखी है, किस तरह की चाल आगे दिख रही है, कौन से टॉप ट्रेड होंगे आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। सबसे पहले अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में हमने काफी वॉलिटिटी मार्केट में बनती हुई दी। इस वक्त भी ब्रांड देखे तो $90 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यू प्रेशर बन रहा है। नो डाउट जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो वैसे तो सपोर्ट मिलना चाहिए, बट पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने इसराइल से लेके कोई एस्केलेशन नहीं देखा है। मीनवाइल एनर्जी डिमांड को लेकर चिंता कंटिन्यू बनी हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ से जो डेटा पॉइंट आ रही है चाइना से, वो खराब आती हुई दिखाई, जिसके चलते मुझे लगता है जब तक कोई एस्केलेशन नहीं बढ़ता है इसराइल या मिडिल ईस्ट में, कच्चे तेल में थोड़ा दबाव रहेगा टेम्पररी। जहाँ पे 7180 पे बेचना चाहिए, 7280 का स्टॉप लॉस रखिए, 6950 तक के लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं अगर सोने और चांदी की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि 2000 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो अनलेस अनटिल कोई नई बड़ी न्यूज वॉर के रिलेटेड अगर नहीं आती है, तब तक हमें लगता है मार्केट थोड़ा सा साइडवे और प्रॉफिट बुकिंग के दौर पे रहेगा। बिकॉज ये हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो यहाँ पे हम देखेंगे, US के इकोनॉमी डेटा आने, फेड रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें आगे का रणनीति मिलेगी। तो अनलेस अनटिल की लेवल्स के ऊपर नहीं जाता है मार्केट में दबाव रहेगा। जहाँ पे सोने में 60,700 पे बेचना चाहिए, 60,850 का स्टॉप लॉस रखिए, 60,200 तक का लेवल जो कल हमने देखा था वापस रिटेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। एंड चांदी की अगर बात करें तो चांदी भी 73,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो टेम्पररी पुल बैक चांदी में भी रहेगा। 72,250 पे बेच के चलिए, 72,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 71,200 तक के लेवल मिल सकते हैं। वहीं लास्ट में अगर हम बेस मेटल की बात करें तो चाइना से कुछ डेटा पॉइंट अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी लोअर लेवल पे हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो उसी को देखते हुए कॉपर और जिंक में बाइंग बनती है लिमिटेड टारगेट के लिए। 704 पे बाई कीजिए, 700 का स्टॉप लॉस, 710 का टारगेट रहेगा नवंबर वायदे में। जिंक के अंदर भी 220 पे बाई कीजिए, 218 का स्टॉप लॉस रहेगा, 222 से 223 तक का टारगेट देखने मिल सकते हैं। यानी आज के सत्र के लिए, जो आज के लिए इंट्राडे के लिए केडिया जी की कॉल है, यहां पर आपको गोल्ड बेचना है, चांदी बेचना है, क्रूड बेचना है, ये तीनों बेचने की सलाह है। जहां पर नीचे 60,400 तक गोल्ड आ सकता है, चांदी 71,600 से 71,200 तक, और कच्चा तेल 7020 से 6950 तक नीचे फिसल सकता है। स्टॉप लॉस भी बताए गए, उसका भी ध्यान रखिएगा। बेस मेटल्स में खरीदारी करनी है कॉपर और जिंक, आज के लिए दो ट्रेड। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए ग्लोबल चेक एक बार फिर से आपको बता दें कि आज अच्छे संकेत दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 45 अंकों की तेजी यहां पर गिफ्ट निफ्टी में दिख रही है, 19,300 के ऊपर। एशियाई बाजारों में जितने भी बड़े बाजार हैं वहां पर मजबूती दिख रही है। जापान के बाजार करीब करीब 1% की मजबूती वहां दिख रही है। हांगकांग के बाजारों में 2.25% तक की तेजी है। चीन का बाजार भी 1% की मजबूती दिखा रहा है, और कल 4 दिनों की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजारों में भी ठीक ठाक तेजी दिखी थी। हालांकि दिन के कारोबार के दौरान जो कॉल्स आ रहे थे, देवांग शाह ने दो ट्रेड दिए थे, विप्रो बेचने की सलाह और LIC हाउसिंग फाइनेंस यहां पर बेचने की सलाह थी। लेकिन बाकी कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो कमोडिटी मार्केट से जो कॉल्स आए थे वो यहां पर बिकवाली की सलाह थी। केडिया कमोडिटी की तरफ से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड बेचने की सलाह थी, और बेस मेटल्स में कॉपर और जिंक दो टॉप पिक थी, वो खरीदारी की सलाह थी। लेकिन आज के लिए नतीजों के दम पर कहां पर एक्शन रह सकता है, ये पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी अशीषा मौजूद है स्टूडियो में। अशीषा बताएं।
जी हाँ, सबसे पहले टोरेंट फार्मा की बात करते हैं तो सोमवार को नतीजे आए थे मार्केट आवर्स के बाद। नतीजे तो अनुमान के मुताबिक आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई है सिप्ला स्टेक परचेस को लेकर, तो उसकी बात करेंगे। रेवेन्यूज 2660 करोड़ पे आए हैं, जो 16% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिला है, 31% पे मार्जिन आए हैं वर्सेज 29.6% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। क्लैरिफिकेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा कि वो अभी मार्केट स्पेक्यूलेशन पर कमेंट नहीं करना चाहते। एमएनए अपॉर्चुनिटीज कंसिडर तो की जा रही है, उनका मानना है कि इंडिया में एमएनए अपॉर्चुनिटीज कंसिडर की जाएगी। सिप्ला स्टेक परचेस पर कोई खास कमेंट्री तो नहीं, लेकिन क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के भी नतीजे आए थे, नतीजे काफी अच्छे थे। रेवेन्यूज में 5.5% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छा उछाल, 46% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, कमजोर नतीजे थे, रेवेन्यूज में तो उछाल देखने को मिला 3% का, लेकिन बॉटम लाइन में बड़ा नॉक देखने को मिला है। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया 16 करोड़ का वर्सेस जो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 12.2 करोड़ का। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के नतीजे काफी कमजोर है। अर्निंग्स की तो बात कर ली, इसके अलावा कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे न्यूज़ बेस्ड उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले डेल्टा कॉर्प, याद रखें डेल्टा कॉर्प को जीएसटी डिपार्टमेंट से कई नोटिसेस ऑलरेडी मिली है, और अब क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया जहां हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया है कि फाइनल ऑर्डर्स पास नहीं किए जाएंगे जब तक हाई कोर्ट डायरेक्शन नहीं देता। कुछ रिस्पाइट है डेल्टा कॉर्प के लिए, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा वेदांता की बात करते हैं, अजय गोयल को सीएफओ के डेजिग्नेशन पर वापस अपॉइंट किया गया है। याद रखें अजय गोयल पहले भी वेदांता में थे, उसके बाद बायजूस में गए थे, अब बायजूस से रेजिग्नेशन देकर फिर से वेदांता के रीस्ट्रक्चरिंग में हेल्प करने के लिए उन्होंने वापस अपॉइंट कर दिया है। लास्टली केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, नया ऑर्डर मिला है कंपनी को, जहां कंपनी ने कहा कि विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का करीब करीब 4.2 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला है। क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स अब 196 मेगावाट के इस सेगमेंट में कंपनी को मिले हैं, तो ऑर्डर विन के चलते केपीआई ग्रीन एनर्जी पर भी अपनी नज़र रखें। ओके, तो आपने आशीषा ने पूरी डिटेल्स बता दी कि किन किन कंपनियों के नतीजों की वजह से आज एक्शन में रह सकते हैं। तीन ऐसी टॉप कंपनियां चुन के लाई जो मार्केट सोमवार को मार्केट बंद होने के बाद जिनके नतीजे आए थे, और साथ ही खबरों का असर किन कंपनियों पर रहेगा। तो सात ऐसी बड़ी खबरें जहां पर ज़्यादा असर दिख सकता है, जो ज़्यादा एक्शन दिखा सकते हैं, वो टॉप खबरें भी आशीषा चुनकर लाई। शुक्रिया आशीषा पूरी डिटेल्स लाने के लिए। लेकिन आज के लिए टॉप ट्रेड क्या है ब्रोकरेज हाउसेज के लिए, जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेज हैं वहां के टॉप ट्रेड आपको बता देते हैं। जेएम फाइनेंस की तरफ से इप्का लैब खरीदने की सलाह है, टारगेट है 1032 से 1047 का, 955 का स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करनी है। केनरा बैंक जेएम फाइनेंस की बिकवाली की सलाह है, इनको लग रहा है कि 347 से 341 रुपए तक केनरा बैंक फिसल सकता है, बेचने की सलाह है। शेयर कान की तरफ से बेचने की सलाह है बर्जर पेंट्स को 550 रुपए के टारगेट के लिए, 582 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर खान की भी खरीदारी की सलाह है, 2550 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर एचयूएल खरीदना है, 2460 का इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट की बिकवाली की सलाह बैंक ऑफ बड़ौदा है, 198 रुपए का स्टॉप लॉस, 188 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर बेचना है। और रेनवो को खरीदारी की सलाह स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट मार्ट से आ रही है, 1175 रुपए के टारगेट के लिए खरीदे और 1100 का यहां पर स्टॉप लॉस लगा ले। रेली गियर की कॉल भी आपको आखिर में बता देता हूं, तो यहां पर भी एक बाई एक सेल है। इप्का लैब खरीदारी की सलाह 1020 के टारगेट के लिए, और हिंडाल को बेचने की सलाह है 443 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए अब जानते हैं कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र किन शेयरों पर है, किन डोमेस्टिक कंपनियों पर उनका भरोसा बढ़ा है और कहां पर कम हुआ है, बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी मौजूद है। वामाक्षी बताइए। चलिए वामाक्षी इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जो ट्रेड है वो मैं बता देता हूं। जेफरीज की तरफ से टोरेंट फार्मा है, उन्होंने टारगेट को 2040 रुपए से कम करके 1950 रुपए कर दिया है। हालांकि अभी भी जो इनकी जो रेटिंग है वो होल्ड की रेटिंग है, यानी शेयर में बने रहने की सलाह जेफरीज की तरफ से आ रही है। एचएसबीसी की कॉल है एचयूएल पे, उन्होंने डाउनग्रेड किया है
और 22 पहले इनकी जो कॉल थी वो बाई की कॉल थी, अभी से होल्ड कर दिया है डाउनग्रेड करके, और टारगेट भी घटा दिया है 2700 रुपए से घटाकर, अब इसे 2950 रुपए से घटाकर 2700 रुपए किया है। एचएसबीसी की टीटागढ़ पर भी कॉल है, इन्होंने बाई रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट को बढ़ाकर 900 रुपए से 970 रुपए कर दिया है। सीएलएसई की कॉल है एम्बर पर, इन्होंने बाई रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 3650 रुपए का था। तो ये कुछ डोमेस्टिक मार्केट की भी आपने ट्रेडिंग कॉल देखी और आप इंटरनेशनल मार्केट के भी ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट सुनी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से आज संकेत अच्छे हैं और उम्मीद की जा रही है कि घरेलू बाजार की शुरुआत अच्छी होगी। तो गुड मॉर्निंग स्वदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।